मेरा नाम मोहसिन है। पिछले 10 सालों से मैं विराट वेस्ट में रह रहा हूँ और पहले मैं बीजेपी में था। खूब काम करता था, खूब नारे लगाते था, लेकिन मुझे पीडीए पार्टी के बारे में कुछ इतना नॉलेज नहीं थी। लेकिन माशाल्लाह मैंने जब से जाना है, मैं एक वेल एजुकेटेड लड़का हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है ग्लोबल सिटी में। एक बार की बात है, मैं बेटे को दादा है, एक बार रिक्वेस्ट लेकर आया था कि मेरी सिस्टर की शादी है और मुझे हेल्प चाहिए बंजारा में। मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम है, शायद याद रहेगा। बिट्टू दादा ने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, तू कौन है, कहां से आया है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट को कॉल करा, इसका भाई का काम करा। माशाल्लाह पहले मैं कॉल कर रहा था बंजारा में कि मुझे डिस्काउंट दे दो, मेरे लिए मैनेजमेंट कर दो। जब फोन गया बिट्टू दादा की तरफ से, तो वो मुझे फोन करके बोल रहा है मतलब क्या करना है। तो दूसरी चीज, माशाल्लाह मैंने इस पार्टी में बहुत अच्छी चीज देखी है। इसमें धर्म जात सब इक्वल है, किसी का कोई अलग फेवर नहीं है। बहुत अच्छा नेचर है बिट्टू दादा का, बहुत फ्रेंकली नेचर है। माशाल्लाह हमारा एवेन्यू L1 में हम लोगों ने इफ्तार कराया था, वो वहां पर आए थे L1 में। माशाल्लाह सब लोगों को बहुत इज्जत दी। बीबीए पार्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी मजबूत पार्टी है। हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब हैं, क्षितिज दादा ठाकुर साहब हैं, ये बहुत बेस्ट आमदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छी नजर से मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। मैं लिहाजा सभी से गुजारिश करूंगा कि एक पैनल पे आके हम इस पार्टी को सपोर्ट करें। जो मुझे पंकज कगड़ा ने बोला कि आज ये मीटिंग रखी है और कुछ लोग 4-5 दिन से आके बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा अपने लोग अलग विचार कर रहे हैं और उस वजह से यह जो मीटिंग अरेंज किया था, मुझे बहुत हुआ। इतिहास देख लो, 90 में बता चुके हैं कांग्रेस के पार्टी में से। वो टाइम पे टिकट मांगा नहीं, टिकट दिया नहीं, अपक्ष चश्मा निशानी, आप सबकी मेहनत से अपक्ष से जुड़ गया। सबसे डिफिकल्ट इलेक्शन बना के 95 से होता, सबसे डिफिकल्ट इलेक्शन मुझे लगता 95 का था। हम लोग तो बहुत छोटे थे, यहाँ पे सीनियर लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित रहे। 2 बार कैंसिल हुआ, पप्पा ने लेटर दिया कि मुझे जेल में डालो और इलेक्शन लो। ये कुछ लोगों को याद रहेगा, दहशत दहशत दहशत। पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म हो गया था, सिर्फ अपना वसीम है, इलेक्शन हुआ नहीं। कुछ लोगों को याद रहेगा वो टाइम पे, मतलब एक उम्मीदवार बोलता है कि मुझे जेल में डालो और इलेक्शन लो, क्योंकि मुझे हमारे लोगों पे भरोसा। उस परिस्थिति में भी आप सबका साथ मिला, हम चुन गया। बात का विलासराव देशमुख का पानी का किस्सा आपने बताया, मंत्री पद लो कॉन्फिडेंस मोशन, एक मत की कीमत उस टाइम पे जो यहाँ पे पुराने लोग हैं। सूर्या का पानी, सूर्या प्रकल्प जो आज हम पानी पी रहे हैं फेज 1, वो एक मत लो कॉन्फिडेंस में वो पानी का स्कीम निकला। वो टाइम पे मंत्री पद बहुत आसान था। अब वो टाइम के मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग थे, आप एक नजर मार के देखो। गूगल है सबके पास, स्मार्टफोन से 2 सेकंड आपको मिल जाएगा। नाम देख के, चेहरे देख के आपको ध्यान में आएगी कि वो मंत्री बनने लायक है कि नहीं है, या थे कि नहीं थे। किसी का नाम ही लूंगा, 95 इलेक्शन में कार्यकर्ताओं का मीटिंग लिया था, अमुक पार्टी का वो टाइम पे सरकार बना था, कार्यकर्ताओं ने बोला कि ये पार्टी को अपने सपोर्ट नहीं किया। 95 में हम ऑपोजिशन में बैठे थे, उनसे उत्तर 95 में सरकार किसका था, बीजेपी। हम ऑपोजिशन में बैठे थे, सेना भाजपा सरकार होता, कार्यकर्त्यांची मीटिंग झालेली। जो इतिहास मला लक्षात आहे, जो इतिहास मुझे ध्यान में, अपना हर बात कार्यकर्ताओं का मीटिंग होता, वो टाइम पे हम विरोध में बैठे थे। उसके बाद का इलेक्शन कांग्रेस राष्ट्रवादी का आया, हम सरकार के पार्ट हुए। जो आपने बोला मुझे अच्छा लगा, एकदम क्लैरिटी से तुमने बात किया। कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट में 2009 में मैं आया, कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट, और अपना ग्राफ बढ़ते ही गया। मतलब 90 में जो वोट्स मिला था, 95 में जो वोट मिला था, मतलब कठिन परिस्थिति में पहले वोट शेयर और ग्राफ बढ़ता ही गया, और वो सब आपकी बदौलत है। मतलब एक कानी से बदलाव नहीं होता। 93 का ब्लास्ट हुए, थाना भिवंडी मुंबई कल्याण डोंबिवली, आप नाम लो, महाराष्ट्र में कोई भी शहर का नाम लो, दंगल चालू था। एक ही जगह पालघर जैसे जगह में दंगल हुए, लेकिन अपने इधर किसी का कॉलर पकड़ा था, ये एक थाली में इतने साल से साथ में बैठ के इफ्तारी बोलो, ईद बोलो, बाजार आएगा ना वाला माहिती ना है, आलाय का दर वर्षी माझी त्याच्या घरी असते, ह्या वर्षी पण त्याच्या घरी होती। विषय कुठे आला,
मैं मला ही मीटिंग कशासाठी मला खरोखर माहिती नाहीये. या वर्षी पण माझा महाराष्ट्र जाते टाइम पूछा उसको बाहर साल में मेरा ये उसका उसके पास फोटो भी रहेगा मेरा ये साल का ये हाथ में पहना है सबसे ऊपर वाला जो दिख रहे हो बौद्ध धर्म का मेरे पुराने फोटो निकाल के देखो सबसे ऊपर का जो माला है बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म के महाराज ने मुझे दिया बोलते तेरे लिए अच्छा है आशीर्वाद बना रहेगा पेन. दूसरा अकीक पता नहीं कितने लोगों को मालूम है मेरे को नहीं मालूम था पुराने फोटो निकालो आज इलेक्शन इसलिए पहन किया ऐसा नहीं है मेरे पुराने फोटो निकालो. तो आफिफ ने मला सांगितलं की दादा हे तुझ्या हिशोबाने चांगलं आहे हकीक आहे आणि आमच्या धर्माचे दाखे आम्ही कधी भेदभाव केला नाही. माझे जुने फोटो काढा पप्पांचे जुने फोटो काढा इतकाही असेल आपलं लेंट पिरियड मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असेल गुड फ्रायडे असेल आपलं क्रिसमस असेल असे कला क्रीडा महोत्सव आहे 26 से 31 तारीख हर रोज अलग अलग कार्यकर्ताओं के घर पे खाना पिछले 90 से आज तक चल रहा है. किसके घर में वो खाना होता है 31 का खाना किसके घर में होता है जमीन पर. ये पहली बार नहीं हो रहा 90 से लेके आज तक पंकज काका का रोजा असतो पर मुझे ये मीटिंग काय के लिए है. ठीक है कार्यकर्ताओं का मीटिंग है अपने एरिया में काम पे लगो जोर मारो वो हक से बोलने का विषय. उसने बोला वो हॉल में डिस्काउंट जो आएगा पहचानते नहीं पहचानते अगर हो सकता है तो अपने परिवार में मदद ही करने का कोशिश किया. और मैं जब परिवार बोलता हूँ तो ठाकुर नहीं यही परिवार है ना. अलग अलग एरिया में जिधर जिधर अपने कार्यकर्ता अपना परिवार ही ना बदला जाओ. कल तक तो सब ठीक था आज अपने को मीटिंग करके जस्टिफिकेशन देने का नौबत आ रहा है बदला जाओ. कल भी हमारी विचारधारा वही थी ये बार के भी सब ईद के फोटो निकालो अपना इफ्तारी के मैं अलग जगह घूम रहा हूँ पापा अलग जगह घूम रहे हैं मेरे भाई लोग अलग जगह ये दोनों अरे किसके साथ रहते हो तुम लोग रहते मासूम अपार्टमेंट में वही है क्या मासूम अपार्टमेंट में मासूम ये दोनों अन्य के साथ रहते बचपन से बदला है कुछ बदला है तो बोलो. मतलब ये अपना कल्चर कल्चर कब बदला दो जनों का डिवोर्स हो गया अपना प्यार आ गया दूसरी को. अरे ऐसा थोड़ी होता है विचारधारा बदली है क्या हम लोग ने क्या क्या शब्द वापरे थे अब सबको मालूम आज क्यों प्यार आया जरूरत है इसलिए ये प्यार कल रहने वाला है क्या. कितने अपने समाज के इतने सारे महापालिका कंट्रोल किया आज तक अपने समाज के कितने नगर सेवक कितने महापौर कितने उपमहापौर जिला परिषद अध्यक्ष पंचायत समिति से लेके ग्राम पंचायत का टिकट दिया निकालो ना लिस्ट. मेरे को बोलने का जरूरत नहीं मेरे को बोलने का जरूरत नहीं अपना मैं इधर जस्टिफिकेशन देने को आया नहीं हूँ मैं लड़ने को आया हूँ इधर और वो भी अपने लोगों के सामने. ये कौन सी सिस्टम गणपति में वड़ा पाव बांटने वाला वो ये अपना कल्चर वो देखता नहीं है. तू दसो ना तिकडे स्टॉल वर तू ही रहता उधर स्टॉल पे तू मतलब अपना पूरा कार्यकर्ता वगैरह हेडमास्टर तू है ये अपना कल्चर है. उसने बोला अमुक पार्टी को सपोर्ट दिया पार्टी को सपोर्ट नहीं दिया है कुठल्याच पार्टीला सपोर्ट दिला नाही है. अपने विभाग के काम अगर निकालने के रहेंगे सामने दिख रहा है अपना जरूरत नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है अपना जरूरत था क्या गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है अपना जरूरत नहीं था. लेकिन अगर अट्टी शर्ती डाल के मेट्रो मंत्री अपने कौन खर्चा देने का अभी जाते जाते ऑफिस में हॉस्पिटल का प्लान रेडी है सुबह में 2.5 लाख फुट का फर्स्ट फेज का हॉस्पिटल मतलब रिलायंस का भी इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं उतना अच्छा अपने महापालिका का हॉस्पिटल 250 करोड़ उसके लिए लड़ने वाला है. अपनी महापालिका मुंबई जितनी बड़ी महापालिका नहीं की 50-60 हजार करोड़ का बजट है बहुत छोटी महापालिका है जो अपना सबका टैक्स का पैसा घर पट्टी पानी पट्टी नेग्लिजिबल पैसा है जो महापालिका को अपनी अपने जेब में से जाता है 250-300 करोड़ का एक हॉस्पिटल मतलब जिला में जो हॉस्पिटल हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उससे बड़ा हॉस्पिटल अपने एरिया में अपना प्लान जाते टाइम पे मेरे ऑफिस में कीबिन में जिसको प्लान दिखने का रहेगा वो प्लान देखो. पैसा किधर से आना अपन एका पक्षाला सपोर्ट नहीं केला एक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया दिख रहा है कि अपना जरूरत नहीं है अपने काम अगर करवा के दे रहे हैं और काम मतलब क्या. आज एक
21,000 डिलीवरीज हर साल अपने महापालिका में होती है, 50% से ज्यादा महापालिका के हॉस्पिटल में, 50% से ज्यादा वो लेवल का फैसिलिटीज प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इधर बने। काका तुम्हें बोले उठे ले, हाँ सजेशन देता, अपंग लोगों के लिए एक स्कीम चालू किया था, एक अंध व्यक्ति मतलब जो 80% अपंग रहेगा उनके लिए महापालिका हर महीने अनुदान देती है, एक अंध व्यक्ति आया और पापा को मिला, सजेशन दिया कि अपंग के लोगों से ज्यादा मेरे बीबी को वो पैसे का ज्यादा अधिकार है। तो पापा ने थोड़ा सा मजाक में लिया, मतलब मतलब पता मतलब मेरी बीबी मुझे अंधे को और मेरे दो बच्चों को मतलब तीन बच्चों को बात रही है। इमीडिएटली उधर से टाटा मनावाल टाइम पर महापालिका का बजट चल रहा था, आप सब थे वो टाइम पर, इमीडिएटली मनकर साहब महापौर, मनकर साहब महापौर थे, फोन लगाया उसने स्कीम गए अंध व्यक्ति भी ऐड करो। ऐसे अलग अलग लोग सजेशन देते इसके पर अच्छी अच्छी स्कीम कर पाते, अधिकार है ना तुम्हारा, हक से आते तुम लोग सब। मेरा बोलना रहेगा 95 विरोध में बैठे थे, कितने काम हुए, कितना पैसा आया बोले एग्जीशन क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे थे। आप सब इधर बैठे हो, ऊपर फोर्थ फ्लोर पे मीटिंग हुआ था अपने सारे कार्यकर्ता का, सब प्रमुख कार्यकर्ता आपके तालुका के, तब भी पूछा था कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का कि नहीं करने का, सारे कार्यकर्ते थे 450 अपन ऊपर टेरेस के ऊपर मीटिंग हुआ था, कार्यकर्ता ने बोला अपने विभाग के काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, पार्टी को सपोर्ट, पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ला सपोर्ट किया कारण की अपना पैसे पाहिजे आपने काम करा। अच्छा स्वतःचा स्वार्थ किती चालला ते पण लोकांनी सांगावं कि अमुक अमुक ये किया इसलिए खुद का इतना बेनिफिट करके लिया, वो भी बोलो जिस हिसाब से लोकसंख्या बढ़ रही है, ग्लोबल सिटी, पानी आने किधर से वाला है, देहरजा प्रकल्प 1400-1500 करोड़ का उसके लिए फंड लगने वाला है, जो आगे का प्लानिंग घोलसा पड़ा एक और दो उसके लिए पैसा लगने वाला है, आज सोपारा जी एसटीपी जी काय खर्चा है तो कदा 400 कोटी 545 कोटी सिर्फ एसटीपी का, एक एसटीपी का पूरे तालुका में अलग अलग लगने वाला है, पैसा किधर से आने वाला है। आप कल बोलो गवर्नमेंट के बाहर बैठने का है, कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो सुनेंगे, अपना नगर से अगर टिकट कार्यकर्ते बोलते वो ऊपर से नहीं आता है तो इधर बसले कुछ सांगा कि पापा ने टिकट दिला है, टिकट दिला है, पंकज खाते ने टिकट दिला है, मतलब क्या आपने, तुम्हारे वार्ड में तुम इच्छुक उम्मीदवार जब जमो एक साथ बैठो, एक निर्णय लो, एक नाम ऊपर लाके तो वो अपना उम्मीदवार खासदार के लिए, 8 जन बसले अपने ऑफिस में 5 घंटा बैठे थे, पॉलिसी एक तुम बैठो तुम फाइनल करो, जो तुम फाइनल करोगे वो अपना उम्मीदवार, मतलब ग्राम पंचायत से लेके एमपी तक ये पॉलिसी अपने रखा है, कार्यकर्ता को विदाउट कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी निर्णय पार्टी ने किया है क्लास का। विषय किधर आया, राजेश पाटिल ओपन सीट में सभापति बने थे, ओपन सीट में सुना है कभी, रूपेश यादव ओपन सीट में महापौर बना था, सुना है किधर, और ये जितने भी सेक्युलर बोलने वाले आज पार्टी से ना उन्होंने ये दिखा लिखा कि ओपन सीट पे कितने रिजर्व कैटेगरी वालों को कुर्सी पे बिठाया, रूपेश को जब महापौर बनाया था कितने नेते होते जो महापौर बनू सकले असते, ओपन सीट था मतलब कोई भी बन सकता था, बड़े बड़े लीडर्स थे, स्टॉर्ड लीडर्स थे, एक यंग लड़के को ओपन सीट पे महापौर बनाया, ये अपना कल्चर बहुत समाज का, उधर भेदभाव नहीं किया, उधर कर सकते थे ना कि यार रिजर्व नहीं है तू बैठ, बातें रिजर्वेशन आएगा तो देखेंगे, ओपन सीट पे उसको बिठाया ना, ये अपना कल्चर। विषय किधर आ रहा है और हमारी गलती किधर हो रही है ये तो बताओ, कि अमुक अमुक जगह पे हमने किसी को भी ठेस पहुंचाई है, किसी को बंदूक करके दिया है, ती वसई जी दफन भूमि, वसई का इधर कोई नहीं है, 2.5 करोड़ का कंपाउंड वालों भरनी कचरे में गया, अब्दुल भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील से लेके किसने सब वो आप बात में बताओ, और जिस पार्टी में भी प्यारा है ऑब्जेक्शन लेने वाले वो लोग वो भी रिकॉर्ड पे, महापालिका में से आप लेटर निकालो किसने ऑब्जेक्शन लिया था, बराबर अब्दुल भाई दो मालूम लेटर लिख के ऑब्जेक्शन 2.5 करोड़ का खर्चा किया ना उसमें कंपाउंड वॉल से लेके। अच्छा वो टाइम पे पूरा सब्सिडी विरोध में गया था लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, क्यों तो सामने हमारे दफन भूमि नहीं बनती, पूरा सब्सिडी विरोध में गया था वो टाइम पे, मैं उधर मीटिंग में जाके बोला कि मैं 40 फुट का दीवार खड़ा करता हूँ, दीवार मतलब जाली
उधर वेली छोड़ दो, मतलब वो पूरा ग्रीन वॉल दिखेगा, गार्डन जैसा दिखेगा, आपको अंदर क्या दिखेगा भाई, मतलब आपको भी प्राइवेसी रहेगा और बाहर वालों को भी तकलीफ होगी। 100% उधर का पूरा सन सिटी विरोध नहीं, हमारी गलती तो बताओ किधर हम कम पड़े। विरार सोपारा तफर को भी शिफ्ट करने को बोला था ताकि सोपारा वालों को भी कन्वीनियंट रहे और विरार वालों को भी कन्वीनियंट रहे। जो एक कोपरे में है वो सेंट्रल लोकेशन में, मतलब विरार वालों को भी कन्वीनियंट पड़े। किसने लिया था ऑब्जेक्शन, नाम मत बोलो, जिन लोगों को मालूम है समझा, अपने ही समाज के लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। किसको किसको बुला लिया था उधर आंदोलन बैठाने में, फोटोज वीडियोज रहेंगे आपके पास, हम गलत किधर गए वो तो बताओ। कोई भी जाति धर्म का लोग आके बोलने का कि हमारे ये स्टेटमेंट हमारे समाज के विरुद्ध गया, हमारे धर्म के विरुद्ध गया, कोई तो बोलो। ओ हनी, जैन नहीं है, 31 दिन का उपवास किया। उपवास मतलब सिर्फ गर्म पानी, 31 दिन कुछ भी नहीं खाना, बरोबर हनी? कोई तो समाज या जाति धर्म में कुछ तो बोलो कि हमने गलती क्या की है। मैं काका को नहीं बोला, पर माला अजीबत आवड़ी नहीं बेटी, मी काय करतो इकडे माला का बाजार आला। हक्काची लोक आपण जस्टिफिकेशन द्यायचं, ही कुठली पद्धत? तुम्ही अधिकाराने आमच्याकडे गर्दी येतात भांडता देत, छगीर बाहेर भांडतच असतात तुम्ही सगळेच, हक्काने येऊन भांडणारी लोक आणि आम्ही तुम्हाला जस्टिफिकेशन देत बसायचं, मला अजिबात आवडली बेटी। ई झाल्यानंतर सोपा झाला कशाला पाहिजे, आणि आम्ही चुकले कुठे आहे कुठेतरी तर सांगा ना, काहीतरी तर असेल, होईल तिकडे मदत करायचा प्रयत्न केला। कोणीही असं त्या विचारला नाही की कुठल्या पक्षाचा आहे, बीजेपीचा होता तो विचारलं का त्याला, नशीब कोण घेऊन जात नाही आणि लोक फक्त आम्हाला घेऊनच गेले, आशीर्वाद दिलाय, प्रेम दिलाय, मदत दिलाय, काय मागूच शकत नाही, आमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद एवढं चला।